एसपी ने अधिकारियों के साथ की अपराध समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। कहा, जिले में जमीन कारोबारी स्वयं में लाएं सुधार, नहीं तो होगी कार्रवाई। पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अपराधियों को सजा दिलाना प्राथमिकता, एसपी दीपक ने कही। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने मंगलवार को न्यू पुलिस कार्यालय में अधिकारियों के साथ पहली अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान एसपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए आर्थिक अपराध को लेकर जहां सख्ती बरतने को कहा, वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब गिरिडीह पुलिस एक्ट पोक्सो एक्ट के मामले में स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा। कहा कि पोक्सो एक्ट से जुड़े मामले में अपराधियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता होगी, इसके लिए सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया। एसपी श्री शर्मा ने कहा कि जिले में जमीन विवाद काफी अधिक है, अक्सर गरीबों की जमीन लूटने का मामला सामने आता है। ऐसे में जमीन से जुड़े कारोबारी खुद में सुधार कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। इस दौरान उन्होंने सिंहोड़ी सिरसिया के फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुए चोरी की घटना मामले में कहा कि कुछ सुराग मिला है, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। क्राइम मीटिंग में डीएसपी संजय राणा, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संदीप सुमन, एसडीपीओ मनोज कुमार, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। कुछ रिव्यू किया गया है, उसमें जो पेंडिंग एक्शन है उस केस का पर्सनली हम लोगों ने एसपीओ साहब को ये कहा है कि उसका मॉनिटर करके उन केसेस का जल्द निष्पादन करें। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी पॉक्सो एक्ट में कुछ केसेस रजिस्टर हुए हैं जो मैं बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में उसको मानता हूँ। कुछ केसेस को हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेकर जा रहे हैं। एक दो केसेस ऐसे हैं, देवरी के केस हैं जिसको हम लोग एक पॉक्सो एक्ट में रजिस्टर हुआ था, उस केस को हम लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिले इसके लिए गिरिडीह पुलिस की तरफ से स्पीडी ट्रायल के लिए माननीय न्यायालय को प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी जल्द उसका स्पीडी ट्रायल पूरा करके उसका कन्विक्शन हम लोग पूरा कर सकें। आज हम लोग इतना ही हम लोग आज ये किए हैं और आने वाले समय में हम लोग धीरे धीरे उसको और जो भी हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के प्रिवेंशन के लिए और कार्रवाई हो सकती है हम लोग उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। सर, कल जो चोरी हुई सर, वेयरहाउस में, हाँ उसमें कुछ क्योंकि टेक्निकल उस पर काम चल रहा है, उस पर कुछ पुलिस को क्लू मिला है और उम्मीद है कि वो जल्द ही वो डिटेक्ट हो जाएगा केस। और इस बात की भी जानकारी मिली है कि उस कार्यालय से कुछ दिन पहले कुछ लोगों को निकाल दिया गया था, आई थिंक कुछ समय पहले उसको रिमूव किया गया था। तो ऐसी कुछ बात है जो हम लोग अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकते, बट उस पर काम चल रहा है।